अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन की बेटी एशल कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई है और वह अपनी मां जिल बाइडेन के साथ लैटिन अमेरिका की यात्रा पर नहीं जाएंगी। व्हाइट हाउस ने यह जानकारी दी है। प्रथम महिला जिल बाइडेन के प्रवक्ता माइकल लारोसा ने बताया कि बाइडेन दंपति को उनका निकट संपर्क नहीं माना जा सकता। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जीन पियरे ने बताया कि कई दिन पहले एशल ने राष्ट्रपति और प्रथम महिला से मुलाकात की थी। जिल बाइडेन के बुधवार को इक्वाडोर के लिए रवाना होने से पहले एशल बाइडेन के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की घोषणा की गई। जिल बाइडेन लैटिन अमेरिका की 6 दिवसीय यात्रा पर जा रही हैं, जिसकी शुरुआत वह इक्वाडोर से करेंगी। इसके बाद वह पनामा और कोस्टा रिका भी जाएंगी। ये दूसरी बार है जब एशल बाइडेन को अपनी आधिकारिक यात्रा रद्द करनी पड़ रही है। इससे पहले मई में एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण वे अपनी मां के साथ पूर्वी यूरोप की यात्रा पर नहीं जा पाई थी। हालांकि एशल उस समय संक्रमित नहीं हुई थी। रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र के अनुसार किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ 24 घंटे की अवधि में 15 मिनट या उससे अधिक समय बिताने पर किसी को संक्रमित का निकट संपर्क माना जाता है। कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।